नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में एंट्री बहुत लेक्चरों में कर चुके हैं और मेजर मेजर पोर्शन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक का हमने देख चुका है, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम 1933 जब गांधी जी अपने दोबारा सेकेंड विजिट में आएंगे जो छत्तीसगढ़ में, वो वाला सेशन हम लोग देखेंगे और उसके आगे फिर हम लोग आज बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब 1933 में हम लोग एंट्री करते हैं, वो है लगभग नवंबर का महीना होता है। और उसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुआ। उसके बाद वो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, दिल्ली पैक्ट, और उसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए थे, फिर वो वापस आए और उसके बाद उन्होंने सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। लेकिन इस बार जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो काफी सतर्क थे और वो उन्होंने तुरंत सारे जो टॉप रैंक के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। और इस टाइम पे गांधी जी 1932 के टाइम पे गांधी जी जेल में थे और जेल में पुणे के यरोदा जेल में वो उनको रखा गया था। और इस टाइम पे एक कॉम्यूनल चीज आई, वो है 1932 का मैकडॉनल्ड, ठीक है, मैकडॉनल्ड कॉम्यूनल अवार्ड, मैकडॉनल्ड कॉम्यूनल अवार्ड, ठीक है। इसको सांप्रदायिक पंचायत भी बोला जाता था। ये क्या था एक्चुअली, इसमें ना जैसे बहुत तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते थे एक डिप्रेस्ड एसोसिएट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनके। तो इस अवार्ड में ये फैसला लिया गया था कि जो एकदम अनटचेबल लोग हैं और जो एकदम ऑप्रेस्ड क्लास वाले लोग हैं उनको एक अलग दिया जाएगा वोटिंग का अधिकार, ठीक है। जैसे उस टाइम तक 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था और मुस्लिम्स को अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का वोट करने का अधिकार मिला था, वैसे ही अभी ऑप्रेस्ड क्लास को भी मिलेगा, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास ऑप्रेस्ड क्लास को मिलेगा। तो ये मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड था। लेकिन इस बात से गांधी जी और लगभग हमारे देश में सारे लीडर्स इससे नाराज थे। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा था कि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी है फूट करो और राज करो, ठीक, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो उन्होंने 1909 में जो मुस्लिम्स का सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट करके ये चीज कर दिया कि मुस्लिम्स को एकदम अलग कर दिया। लेकिन अब उनका जो टारगेट था वो था हिंदू, ठीक है। तो हिंदू क्लास में जो डिविजन बटे हुए थे हमारे, वो अब जो हमारा निम्न जो तबका था उसको भी अब वो अलग कर रहे थे, मतलब वो हिंदू को हिंदू से लड़ाई करने की वो एक उनकी साजिश थी। तो ये चीज गांधी जी को बहुत बुरी लगी और गांधी जी पुणे जेल में ही फांसी में चले गए। इसके बाद बहुत कोशिश की गई तो फिर फाइनली बी आर अम्बेडकर साहब गांधी जी से मिलने आते हैं और यहाँ पे एक पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं पुणे पैक्ट, पुणे पैक्ट। इसमें ये फैसला लिया गया कि बी आर अम्बेडकर साहब राजी हो गए कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, लेकिन जो भी हमारे हिंदू के लिए और इलेक्टोरेट मिलेगा उसका हम लोग कुछ रिजर्वेशन लेंगे। तो यहां से थोड़ा रिजर्वेशन वाला सिस्टम चालू होता है, रिजर्वेशन इन इलेक्टोरेट्स। इसके लिए बी आर अम्बेडकर साहब राजी हुए और खुद गांधी जी भी राजी हुए और ये एक महानतम चीज बोली जाती है गांधी जी के जो फिलोसफी में पढ़ते हैं
कि ये बहुत अच्छा काम किया गांधी जी ने, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हमारे हिंदू में ही वो बांटना चाह रहे थे, वो चीज बच गई, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, अब गांधी जी जेल से जब रिहा होते हैं तो 1933 में उनका मेन पर्पस ये रहता है कि अब मुझे पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हरिजन जो हमारे खुद के देश में ऐसा हो रहा है कि हम ही लोग उनको अछूत मान रहे हैं, तो इस चीज का उद्धार करना है। तो वो अब उनकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी हो गई कि अब मैं हरिजन उद्धार के लिए काम करूंगा। तो उनका एक वो था फॉर हरिजन एसेंशन, ठीक है, हरिजन उद्धार। इसी तहत वो अपना उनका एक समाचार पत्र चलता था, उसका नाम था नव जीवन, ठीक है, उसका नाम था नव जीवन। इसका वो नाम चेंज कर दिए और इसका नाम रखे वो हरिजन सेवक। ये उनका पहला कदम था, हरिजन सेवक। अब उनका जो पेपर था वो इस नाम से आता था, हरिजन सेवक के नाम से। अब इसी तहत वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे वो घूम रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और इसी के तहत वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी आए। और इसका जो डेट है वो याद रखेगा 22 से 28 नवंबर 1933 गांधी जी सेकेंड विजिट, ठीक है, टू छत्तीसगढ़। ये डेट याद रखिएगा 22 से 28 नवंबर। देखिए वो वाला जो फर्स्ट वाला था वो 21 दिसंबर था 1920, और ये है 22 से 28 नवंबर 1933 वाला टाइम। इसमें सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 22 से, और फिर धीरे धीरे हर डेट पे एक एक चीज उनका फॉलो करते जाएंगे कि गांधी जी कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है देखिए 22 नवंबर पे आ जाते हैं, 22 नवंबर, फिर आते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, इतने दिन टोटल गांधी जी रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग एक एक को देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। देखिए 22 नवंबर को शाम 6 बजे वो आए थे दुर्ग में, ठीक है, और उनके साथ जब वो आए तो फिर उनके साथ कुछ कुछ लोग आए, वो कौन कौन थे, तो थे मीराबेन, कुमारी मीराबेन, उसके बाद थे ठक्कर बाप्पा, ठक्कर बाप्पा, फिर है महादेव देसाई, महादेव देसाई, उसके बाद आते हैं जमुना लाल बजाज की डॉटर, ठीक है, जमुना लाल बजाज की डॉटर, ये टोटल 4 लोग उनके साथ एसोसिएट बन के आए। और यहां से जब वो कार में इधर उधर जा रहे थे तो उनके कार का उनका सारथी था, मतलब कार का ड्राइवर, उनका नाम था हजारीलाल जैन, ठीक है, डॉक्टर हजारी लाल जैन, ये इनका कार का ड्राइवर था, इनका सारथी था, यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे तब, ये हो गया। तो ये आपको याद रखना है 22 नवंबर को वो दुर्ग आए थे और इनके साथ कितने लोग आए थे और उनके जो कार के ड्राइवर थे उनका नाम क्या था। इनका नाम हम लोग याद नहीं रखते, लेकिन मतलब कार का ड्राइवर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखते हैं क्योंकि बाद में कुछ वो ऑक्शन करते हैं तो ये उनको खरीदते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 23 नवंबर को, ठीक है, 23 नवंबर, 23 नवंबर में वो रायपुर जाते हैं, रायपुर, और रायपुर में वो विक्टोरिया गार्डन जाते हैं, विक्टोरिया गार्डन, ठीक है, आज रायपुर में इसको मोती बाग बोला जाता है, ठीक है, तो विक्टोरिया गार्डन मोती बाग आज का। उसके बाद फिर 23 हो गया, 23 में वो इतना करते हैं, फिर 24 में भी वो रायपुर में ही रहते हैं और रायपुर में वो लॉरी स्कूल जाते हैं, लॉरी स्कूल, और इसी स्कूल का आज का नाम है माधवराव सप्रे स्कूल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 24 तारीख को वो सतनामी आश्रम, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा बनाया गया था, वो है सतनामी आश्रम जाते हैं, सतनामी आश्रम,
और उनके द्वारा जो अनाथ आलय था उसमें भी वो जाते हैं, अनाथ आलय में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं। और यहीं पे फिर रायपुर में 24 तारीख को वो हरिजन की एक मंदिर है, वहां पे हरिजनों के साथ वो खुद भी एंट्री लेते हैं। तो हरिजन एंट्री इन टेंपल, ठीक है। और यहीं पे उनको पता चलता है कि वो जो काम आज कर रहे हैं वो सुंदरलाल शर्मा बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। और वो ये चीजों में कर, जैसे राजीव लोचन मंदिर में वो जितने भी हरिजन हैं उनके साथ वो एंट्री कराते थे, उनको जनेऊ धारण कराते थे। तो इसीलिए गांधी जी काफी इंप्रेस होते हैं सुंदरलाल शर्मा जी से, और इसीलिए उनको वो अपने गुरु बोलते हैं। तो सुंदरलाल शर्मा एज माय गुरु इन दिस फील्ड, गुरु इन दिस फील्ड, ये गांधी जी कहते हैं। और पूरे गांधी जी के यात्रा में उनको जो देखते रहते हैं वो राम गोपाल तिवारी, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रायपुर का सेशन। उसके बाद फिर 25 नवंबर को वो जाते हैं धमतरी, धमतरी, ठीक है। अब देखिए धमतरी वो पहले भी आ चुके थे, कंडेल नहर सत्याग्रह, और वो धमतरी के जो लोग से वो वाकिफ थे कि वहां पे लोग बहुत आक्रोशित हैं और फ्रीडम मूवमेंट में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो धमतरी गए और वापस वही मकई बंद चौक में वो अपना भाषण दिए, मकई बंद चौक में अपना भाषण दिए। यहां पे एक वुमेन की गैदरिंग भी हुई जहां पे जो गांधी जी थे वो हरिजन फंड रखे थे, हरिजन फंड उसके लिए वो डोनेट करने के लिए बोल रहे थे। जब पहले आए थे तो तिलक स्वराज फंड था, इस बार हरिजन फंड था। तो यहां पे वुमेन की गैदरिंग होती है, वुमेन गैदरिंग, ठीक है। और यहां पे वो हरिजन फंड के लिए डोनेशन करने के आह्वान करते हैं, और जो वुमेन है वो अपनी ज्वेलरी से लेके कुछ भी वो डोनेट करती थी, ठीक है। फिर आते हैं और इसीलिए जब वो धमतरी को देखते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रीडम मूवमेंट में, तो वो एक शब्द बोलते हैं कि धमतरी जो तहसील है वो हमारे गुजरात का बारडोली के समान है। तो ही कंपेयर्ड धमतरी टू बारडोली, ठीक है। बारडोली में एक सत्याग्रह भी हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में, ठीक है। तो बारडोली से वो धमतरी को कंपेयर करते हैं, वहां हरिजन फंड के लिए डोनेट करने के लिए बोलते हैं, वुमेन की गैदरिंग होती है और मकई बंद चौक में वो अपना स्पीच देते हैं। ये धमतरी हो गया। फिर 26 नवंबर को वो बिलासपुर आते हैं, बिलासपुर, ठीक है। और बिलासपुर में आज जो गांधी चौक है वहां पे वो अपना भाषण देते हैं, और वहां पे भी वो हरिजन फंड के लिए पैसे डोनेट करने के लिए आह्वान करते हैं, ठीक है। गांधी चौक और हरिजन फंड, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से धीरे धीरे मतलब ये समझ चलता है, और लास्ट में 28 नवंबर को वो चले जाते हैं बालाघाट, ठीक है। वेंट टू बालाघाट। तो टोटल वो 3-5 दिन मेनली वो स्टे करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं बालाघाट की ओर, ठीक है। अब ये टोटल इनका पूरा गांधी जी का जो सेशन जो वो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको वो महाकौशल यात्रा बोलते थे, ठीक है। महाकौशल यात्रा। और इस दौरान जब वो हरिजन फंड के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, तो टोटल जो इकट्ठा हुए हरिजन फंड में वो 74,000 रुपए के करीब इकट्ठा हुए थे, 74,000 रुपए, ठीक है। और इसी दौरान जब वो पूरा मतलब अपने छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, तो रामदयाल तिवारी भी उनके साथ जा रहे थे, और उनकी पूरी यात्रा पे वो काफी इंप्रेस हुए और एक बुक लिखे, मतलब एक उनका आर्टिकल था वो है रामदयाल तिवारी रोट गांधी मीमांसा, ठीक है। ये उन्होंने लिखा उनकी पूरी यात्रा का, छत्तीसगढ़ की यात्रा पे, ठीक है। और इसी रामदयाल तिवारी को विद्या सागर
ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां से। तो ये था आपका मूवमेंट, और सेकेंड से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो चल रहा था, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, फिर पुणे फैक्ट के बाद उनको रिलीज कर दिया, और फिर वो महाकौशल यात्रा की ओर चलते हैं। और ये डेट याद रखेगा, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1934 इस दिन जो सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस है उसको एंड किया जाता है। ठीक है, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंडेड फाइनली। ठीक है, अब इसी दौरान 1934 में एक महाकौशल करके न्यूज़पेपर आती थी जो कि वीकली न्यूज़पेपर थी। ठीक है, महाकौशल वीकली न्यूज़पेपर, इस ये नागपुर में इसका मेन हेडक्वार्टर था और वहां से आता था, उसको शिफ्ट किया गया रायपुर की तरफ। ठीक है, तो नागपुर से इसको शिफ्ट किया गया रायपुर। ठीक है, और फिर इसका जो बेड़ा संभाले, इसको जो ऑर्गेनाइज किए वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला बिकेम ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, फिर आते हैं अब 1935 के करीब, जब यहां पे एक इलेक्शंस होते हैं, उसमें सेंट्रल प्रोविंस का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है 1935 के करीब में, 1935 में। और इस समय मतलब ये एक बेसिक छोटा ही इलेक्शन होता है, फिर बाद में 1937 में प्रॉपर इलेक्शन होगा। तो इस समय रायपुर से ठाकुर प्यारे लाल सिंह बनते हैं, और बाद में फिर 1936 में जब राघवेंद्र राव इनको सेंट्रल प्रोविंस ऑफ एंड बरार का, जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है उसका गवर्नर बना दिया जाता है, गवर्नर। ठीक है, और इसी दौरान 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं। एक बार वो 1921 के करीब में आए थे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, केम टू छत्तीसगढ़। ठीक है, और इस समय क्या होना था कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सेशन होने वाला था, और इस समय राजेंद्र प्रसाद खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी वो प्रेसिडेंट थे। तो इस समय वो आए रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ उसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और फिर इसी दौरान 1935 में 15 से 16 दिसंबर 1935 को जवाहरलाल नेहरू भी छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, केम टू रायपुर। इस समय क्या होने वाला था कि टीचर्स एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस होना था, और वो छठवा कॉन्फ्रेंस होना था। तो ही केम फॉर 6th एनुअल टीचर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, वो है आपका 1937 का प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, 1937 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत ये चीज डिसाइड की गई थी कि इलेक्शंस होंगे। तो उसी में 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाले थे। अब उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जीती, मतलब लगभग कांग्रेस 6 आउट ऑफ 11 में वो जीती।
और ओवरऑल दो में उसको मेजोरिटी मिला, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं था, लेकिन मेजर पार्टी थी वो, ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो वो टोटल 8 जगहों पे अपना गवर्नमेंट बना पाई कांग्रेस की, ठीक है। और इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी आता था, और सेंट्रल प्रोविंस और बरार में छत्तीसगढ़ भी आता था, तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ का जो था वो इसी में था। अब यहाँ पे तीन लोग, तीन अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुआ। जैसे रायपुर डिस्ट्रिक्ट था हमारा, बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट था और एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पे तीन पे कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा था और वो जीता था। जैसे कि रायपुर में खुद पंडित रविशंकर शुक्ला जीते। बिलासपुर में अगर आया जाए तो ई राघवेंद्र राव जीते, और दुर्ग में आए तो घनश्याम, ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त जीते थे। अब यहां से ये जीते और अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जीते। अब यहां से पहले सीएम बनाया गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, तो वहां पे थे नारायण भास्कर खरे, एन बी खरे, इनको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का फर्स्ट सीएम बनाया गया। लेकिन बाद में कुछ मतभेद हुआ तो ये बाद में रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद फिर बाद में खुद पंडित रविशंकर शुक्ला बाद में सीएम बनते हैं, ठीक है, थीके? तो लेकिन अभी देखते हैं, फर्स्ट सीएम एन बी खरे थे और इनके कैबिनेट में जो पंडित रविशंकर शुक्ला को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर, और इन्होंने शिक्षा मंदिर योजना चालू की, जिसके तहत जितने भी इलिटरेट लोग हैं उन लोगों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और घनश्याम सिंह गुप्त को, घनश्याम सिंह गुप्त को स्पीकर बनाया गया, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब बाद में 1946 के इलेक्शन में भी हम लोग देखेंगे तब भी घनश्याम सिंह गुप्त को स्पीकर बनाया जाता है, उस समय भी बाद में पंडित रविशंकर शुक्ला ही सीएम बनते हैं, इसलिए इनको विधान पुरुष ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, घनश्याम सिंह गुप्त को, ठीक है। अब एन बी खरे कुछ दिन में रिजाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1938 में, ठीक है, ये 37 में इलेक्शन हुआ था, 1938 में 29 जुलाई को खुद पंडित रविशंकर शुक्ला सीएम बनते हैं सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के। और उसके बाद फिर एक्चुअली होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने वाला रहता है, ठीक है, तो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया भी उसका पार्ट है, और उसी के विरोध में फिर कांग्रेस है, वो कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है। तो यहां पे एक डेट याद रखिएगा, वो है 15 नवंबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन। यहां पे पूरी कांग्रेस की जितनी मिनिस्ट्री उन लोग संभाले थे वो सब रिजाइन कर देते हैं एक साथ, ये दिखाने के लिए कि हम आपके वॉर में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये था आपका अभी तक का 1937 से 1939 का पूरा चीज है, फैक्ट। उसके बाद अब हम लोग इसके बाद जब वो रिजाइन कर देते हैं, इसके बाद गांधी जी खुद ये बोलेंगे कि अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो वो अब हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और फिर 1940 के बाद 1947 तक का चीज हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।